देखिए एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से आई, जहां मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार हुई है। बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। आपको बता दें, मेयर चुनाव में बीजेपी को 16 और आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 12 वोट मिले हैं। आपको यह भी बता दें कि मेयर चुनाव में 8 वोटों को खारिज किया गया है, रद्द किया गया है, और नतीजों के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी कोर्ट जाएगी। ये भी बड़ी खबर सामने आ गई है। और देखिए यहां पर अरविंद केजरीवाल, उनका भी बयान चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सामने आ गया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बेईमानी की गई है, बीजेपी चुनाव में किसी भी हद तक जा सकती है, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लिए मेयर चुनाव एक तरह से ये कहा जाए करारी हार। पहला जो प्रयोग था गठबंधन का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, वो फेल रहा और चंडीगढ़ मेयर चुनाव बीजेपी की झोली में जा गिरा। और उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बेईमानी की गई है और चुनाव में बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। तो बता दें आपको, देखिए यहां पर एक तरह से इंडिया गठबंधन की ये बड़ी हार, ये पहला एक्सपेरिमेंट था जब इंडिया गठबंधन चुनाव में उतरा था और बड़ी बड़ी बातें यहां गठबंधन की तरफ से कही गई थी, लेकिन एक करारी हार से कही जा सकती है। पहला ही प्रयोग इंडिया गठबंधन का फेल रहा, बीजेपी को मेयर चुनाव में 16 और आप कांग्रेस गठबंधन को 12 वोट मिले हैं, जबकि 8 वोट रद्द किए हैं। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी कोर्ट जाने का फैसला कर चुकी है, इन नतीजों के खिलाफ आप कोर्ट जाएगी। तो दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरह से चंडीगढ़ मेयर चुनाव भारी पड़ा इंडिया गठबंधन पर, 12 वोट ही हासिल कर पाया, जबकि बीजेपी को इसके लिए 16 वोट मिले हैं, 8 वोट रद्द किए गए हैं, जिसको लेकर यहां उखड़ी हुई है आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि करारी हार और अब कोर्ट जाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, देखते रहेगा न्यूज 24।